नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्री कंप्यूटर टिक्स में। तो जैसे कि आप सबको पता ही रहेगा दोस्तों, फास्टैग जो है 15 दिसंबर 2019 से इसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, अनिवार्य कर दिया जाएगा, कंपलसरी कर दिया जाएगा। अगर आपके पास फोर व्हीलर है तो आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा, जो ताकि आप जब भी कोई टोल क्रॉस करें तो ऑटोमेटिकली वो टोल का जो चार्जेस है आपके प्रीपेड अकाउंट से यानी कि फास्टैग से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए और वहाँ का जो गेट रहता है वो ऑटोमेटिकली खुल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा, अगर आप SBI के थ्रू फास्टैग अप्लाई करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो, उसको ऑनलाइन कैसे कर सकते हो, अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी आप कैसे कर सकते हो। इस वीडियो के जरिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा दोस्तों, तो कंप्लीट जानकारी के लिए कृपया वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं हूँ पार्थ आपके साथ। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं फास्टैग के बारे में तो फिलहाल यहाँ पे आपको एक वेबसाइट बता दूँ, npci.org.in, जो कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इसी वेबसाइट में विजिट करके आप पढ़ सकते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के बारे में, जो कि फास्टैग पे नाम पे चल रहा है दोस्तों, यानी कि फास्टैग या फिर आप इसको RFID भी बोल सकते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे इस वेबसाइट के जरिए आप बहुत कुछ जानकारी जो है पा सकते हैं दोस्तों। फिलहाल और एक वेबसाइट बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वेबसाइट है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है फास्टैग के बारे में, fasttag.org। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन है, ये अप्लाई ऑनलाइन अगर आप करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑनलाइन ऑप्शन जो है आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे आपको बताऊंगा आप SBI के अंडर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे SBI का भी ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे, तो SBI के लिंक पर क्लिक करें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सिक्योर कनेक्शन फेल्ड, तो ये कनेक्शन जो है SBI से नहीं हो पा रहा है फिलहाल। तो दोस्तों SBI की अगर आप नियरेस्ट POS या फिर एजेंट लोकेशन जानना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको करना क्या है, fasttag.online.sbi.com पे विजिट करना है। और यहाँ पे आपको बता दो दोस्तों, अगर आप रजिस्टर्ड किए हैं, आप फास्टैग लिए हैं SBI के अंडर, तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पासवर्ड देके लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद इसको रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आपको करना क्या है, POS एजेंट लोकेशन में क्लिक करना है। और यहाँ पे आपका नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो सर्च करना है या फिर आपका पिन कोड देके सर्च करना है दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे जगहों में ये POS और ये एजेंट जो है अवेलेबल नहीं है SBI की तरफ से, बहुत कम जगहों पे है। तो यहाँ पे अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट हम सर्च करेंगे तो देखेंगे क्या है इसमें, तो यहाँ पे नहीं है दोस्तों। तो नियरेस्ट सिटी हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे एक मिल गया दोस्तों, जैसे कि सेव सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे आप पूरा एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आप पा सकते हैं। तो इसी तरह आप आपका नियरेस्ट POS और एजेंट लोकेशन जो है SBI की तरफ से जो किया गया है दोस्तों, उसको आप सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आप ये फास्टैग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों POS और एजेंट के थ्रू आप ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नियरेस्ट कोई टोल है वहाँ पे जाके भी आप SBI फास्टैग अप्लाई करने के लिए वहाँ पे पूछ सकते हैं और वो अप्लाई जो है वहाँ पे कर दिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप हेल्पलाइन नंबर जानना चाहते हैं तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा दोस्तों। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे आपको 1033 जो हेल्पलाइन नंबर है वो मिल जाएगा दोस्तों, और इसका डिटेल्स भी यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट जानकारी, आप फास्टैग कैसे SBI के थ्रू ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह का वीडियो जो है आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। जय हिंद दोस्तों।